हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान फिर से हमारे सामने। चलो, आज की हम बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश आ गई। कई लोगों ने फाइल सबमिट कर दी है, कई लोग फाइल सबमिट करने वाले हैं, और कई लोग तो वेट कर रहे हैं ना कि भाई फाइल कब सबमिट करेंगे। बट सबके मन में क्वेश्चन जो एक ही चल रहा है कि भाई किसी का वीज़ा आया क्या, क्या रेशियो है, वीज़ा रेशियो क्या है, कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, कि क्या हो रहा है ना। तो मैं उसका ही आंसर देने आया हूँ आप सब लोगों को, ठीक है। ये एक एक रूटीन अपडेट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बट एक रूटीन अपडेट है कि कई लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़े दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है ना। सो बस एक आप लोगों को अपडेट देने के लिए ही मैं आया हूँ। पहला क्वेश्चन, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कि फाइल्स देखो, आपको पता है सबको की सबमिट हो रही है, ठीक है। दूसरा कि सबकी इंटरव्यू नहीं आ रही है, कि आप अगर आप कहें कि सबकी इंटरव्यू आ रही है तो सबकी इंटरव्यू नहीं आ रही है, कई लोगों की आ रही है, कई लोगों की नहीं आ रही है। अब वीज़ा अभी तक जो जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, जो कह रहे थे वो 20 दिन लग रहे हैं, 20 दिन से ऊपर हो, मतलब लोगों की फाइल सबमिट हो गए 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, बट अभी रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। रिजल्ट किसी का नहीं आया, वीज़ा किसी का नहीं आया। कि जैसे अगर वीज़ा ही किसी का नहीं आया तो हम वीज़ा रेशियो कैसे पता करेंगे कि वीज़ा रेशियो क्या है। बट होप सब पॉजिटिव ही होगा। मैं पहले दिन से ही बोलता आ रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं एक ही बात बोलता हूँ कि वीज़ा, अब की टाइम जो वीज़ा है वो आपके आपके खुद के हाथ में है। वो कैसे कि मोस्टली जिनकी भी इंटरव्यू आ रही है, अगर वो इंटरव्यू अच्छा देंगे, अगर वो पूरा कॉन्फिडेंट होकर उनका पूरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो उनका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी देखिए, अभी जिनका इंटरव्यू नहीं आ रहा है उनका वीज़ा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी मतलब उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैं अभी आप लोग पर, हाँ ये तो है कि मैंने सुना है कि भाई इंटरव्यूज तो वो ऑब्वियसली ले ही रहे हैं, ये तो 100% श्योर है ना। और दूसरा मैंने सुना है कि भाई आउट ऑफ इंडिया लाइक दुबई लोगों के वीज़े निकल रहे हैं, बट देखिए दुबई और इंडिया का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज है, वो चेंज है, हम उससे इंडिया के प्रोसेस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो बस अब यही है कि अभी एक ही रास्ता है कि भाई हम वेट करें, है ना। हाँ वेट करें, मेरी भी कुछ क्लाइंट्स की फाइल्स है वो जमा हुई हुई हैं। अगर जैसे ही वहाँ से कोई अपडेट आता है, आई'ल लेट यू नो, आप सबको मैं बता दूंगा कि क्या हुआ, कैसे है, क्या सक्सेस है, क्या रेशियो है। बट फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अभी उन दोस्तों को मैं बोलना, मैसेज है मेरा कि उन दोस्तों को मैं बोलना चाहूंगा जो अभी फाइल सबमिट कराने वाले हैं वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर लें, और जो सबमिट करा चुके हैं वो भी इंटरव्यू की तैयारी कर लें, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन का टाइम देंगे आपको। वो आपको एक दिन पहले ईमेल करते हैं या 2 दिन पहले ईमेल करते हैं कि हम आपसे उस दिन ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लेंगे, वो गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग पे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको किसी को भी ईमेल आ गया, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा आपको प्रिपेयर करने का। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि तैयारी कर लीजिए, और बाकी कोई भी अपडेट होगी, कैसी भी अपडेट होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप चिंता ना करें, आप जुड़े रहें, ठीक है ना। और बाकी ये है कि हाँ ये अच्छा मौका है, आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं, कि हाँ मतलब अभी अपॉइंटमेंट्स भी खुली है, सब कुछ चीज़ें सेट है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ समबडी वॉन्ट टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ड्राइवर, सो प्लीज़ आप डिलीवरी ड्राइवर के लिए कोई भी जो अप्लाई करना चाहता है वो मुझे ईमेल करे, और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है ना। तो आप लोगों को हेल्प होगी उससे, और कुछ भी रिप्लाई आता है, अगर आपके पास भी कोई मतलब अपडेट है सो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बाकी मेरे पास कोई अपडेट आएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और होप मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। शुक्रिया।